नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भाई, सोशल मीडिया पर कल से लखनऊ के अकबर नगर का वीडियो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल यहां पर एलडीए की टीम पहुंचती है बुलडोजर लेकर ध्वस्तीकरण के लिए, लेकिन 3 बजे तक हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है मामले में स्टे लग जाता है, लेकिन तब तक परिवार वालों का बुरा हाल हो जाता है। तमाम दुकानें, तमाम घरों को लाल क्रॉस से जो है चिन्हित कर लिया जाता है और तमाम वहां बसे लोगों को कह दिया जाता है कि भैया जल्द से जल्द घर खाली कर दीजिए। हालत ये रही कि आधे से ज्यादा लोग जो है वो 3 बजे तक अकबर नगर का वो इलाका जो है छोड़कर निकल चुके थे। लेकिन आपको बता दें कि लगातार इनके वीडियो आप सोशल मीडिया पर राजनीतिक पार्टियां जो है शेयर कर रही हैं और सरकार पर हमला बोल रही हैं। समाजवादी पार्टी लिखती है कि अमृतकाल में गरीबों का घर तोड़ने पर आमदा बेरहम योगी सरकार। लखनऊ में कुकरैल नदी के किनारे अकबर नगर में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने का हवाला देकर गरीबों के आशियानों को बुलडोजर से तोड़ने की कार्रवाई घोर निंदनीय। मुख्यमंत्री जी बताएं, भाजपाइयों की अवैध इमारतों पर यह बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? पीड़ितों के साथ खड़ी है सपा, हो न्याय। इनके अलावा अखिलेश यादव भी वीडियो शेयर कर लिखते हैं कि सरकारें घर बनाने के लिए होती हैं, घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए नहीं। किसी का घर उजाड़ने से पहले भाजपाइयों के घरों, कार्यालयों, दुकानों और व्यापारिक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की वैधता जांच कर देखें तो पता चलेगा सबसे अधिक अवैध कब्जा और निर्माण भाजपाइयों ने ही किया है। कह रहा है अकबर नगर नहीं चाहिए भाजपा। इनके अलावा यूपी कांग्रेस भी वीडियो शेयर कर लिखती है कि लखनऊ के अकबर नगर को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। सत्ता के षड्यंत्र से हो रहे इस ध्वस्तीकरण को रोकने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश अनुसार लखनऊ के कांग्रेस जनों ने जनता के बीच पहुंचकर संवाद किया। ये सरकार केवल तोड़ना जानती है। देखिए, एक ओर हम प्रदेश जोड़ रहे हैं, दूसरी ओर से प्रदेश में तोड़फोड़ मचाए पड़े हैं। तमाम राजनीतिक दल जो है वो लगातार वीडियो को शेयर कर सरकार पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी भी जानना बेहद जरूरी है। दरअसल गुरुवार यानी 21 दिसंबर को सुबह जब जिला प्रशासन, एलडीए, नगर निगम और पुलिस विभाग के अफसर बुलडोजर लेके अकबर नगर पहुंचे तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले प्रशासन ने अकबर नगर में बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए। एलडीए ने सुबह 10 बजे से ही इमारतें तोड़नी शुरू कर दी थी। इसके अलावा एलडीए ने पहले ही दावा किया कि भाई इन्हें पहले से चिट्ठी जा चुकी थी और उसके बाद भी उन्होंने खाली नहीं किया था, मगर करीब 3 बजे कोर्ट के आदेश आते ही बुलडोजर कार्रवाई रोक दी गई। इस बीच कई लोगों ने सामान समेटकर अकबर नगर छोड़ दिया, बाकी लोग कार्रवाई के विरोध में डटे रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस, पीएसी बल और सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने कहा कि याची जमीन पर अपना स्वामित्व साबित नहीं कर सके हैं, मगर वो उस पर लंबे समय से काबिज हैं, ये साबित है। ऐसे में बिना ये पुनर्वासित किए कार्रवाई नहीं चल सकती। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। तो इस मामले को लेकर चर्चा बेहद तेज है। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।